हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीरीज में लेकर हम फिर हाजिर हैं। इंग्लिश सीरीज में हम लेकर फिर से हाजिर हैं आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमने पिछले क्लास में नाउन और नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने सारा डिस्कस किया। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। प्रोनाउन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सिर्फ प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन्स दो वर्ड्स मिलकर बना होता है, प्रो प्लस नाउन। आपको नाउन का मतलब पता है, नाउन मीन्स नेम होता है, और प्रो का मतलब होता है प्लेस ऑफ। नेम के जगह पे जिस वर्ड को हम यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है यहां पर राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग, दे मेक अ नॉइस, वो शोर मचाते हैं। तो दिस वर्ड्स यू वॉच, अब ध्यान से देखें इन वर्ड्स को। राम टीचेस मी, ही इज अ टीचर्स। चिल्ड्रेन्स आर प्लेइंग, दे मेक अ नॉइस। तो राम मुझे पढ़ाते हैं, वह है एक अध्यापक है। यहाँ पे ही किस नेम के लिए आया है, आपको राम के लिए आया है। चिल्ड्रन के लिए कौन सा वर्ड आया, आपको दे आया है। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं जो नाउन की जगह पे हमने यूज किया है, इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। सिंपल सा जाने प्रोनाउन मीन्स जो नेम के जगह पे आता, आई मीन नाउन की जगह पे आता, राइट। बाकी प्रोनाउंस का कोई यूजेस या डिफरेंसेस नहीं होता है। जहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट हो, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है प्रोनाउंस। बार बार अगर आप नाउन बार बार एक एक पैसेज में यूज करें तो थोड़ा ओड लगता है, तो उसके जब उसके रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, सबसे पहला होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है पर्सनल प्रोनाउन, और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, राइट। तो आज का टॉपिक में हम लोग फोकस करेंगे पूरा अच्छे तरह से पर्सनल प्रोनाउन से। एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ये डिनोट करता है आपका पर्सन। एक्चुअली में यह डिनोट करता है आपका पर्सन, डिनोट करता है पर्सन, यू नो वेरी वेल पर्सन, दैट वन हु पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशंस। आप जानते हो पर्सन का यूज हम कहाँ और कब कैसे करते हैं। एक्चुअली में जो बेसिक पर्सन्स की बात किया जाता है तो ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन जो पहले बोलता हो, जैसे सपोज करिए कि मैं आप इस मार्कर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं हूँ वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं ये हो गया सेकंड पर्सन, और हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो बेसिकली हम यूज करते हैं आई और वी यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए यू यूज करते हैं, और बाकी जो आपका बचा ही सी इट, और इसका प्लुराइल होता है दे, और कोई भी नेम, ये सारे जो होते हैं आपके पर्सन है
और इन पर्सन को थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है। आई वी को फर्स्ट कहा जाता है, यू को सेकेंड, और ही सी इट और दे और किसी भी नेम को आप थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट। अगर हम इस इन सबको सेंटेंस में पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करें, अगर इन सारे पर्सन को हम जो नाउन एंड केस टॉपिक पढ़े थे उसमें अगर हम लोग उस केस के हिसाब से, यानी कि ये प्रोनाउन सेंटेंस में कौन कौन सा रिलेशन बताएगा उस हिसाब से अगर हम इसको बैठाएं तो इनके फॉर्म बदलते जाते हैं। आइए हम उस फॉर्म को चेक करें। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा पर्सन, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हो गया हमारा जेनेटिव। ये तीनों के दो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ऑफकोर्स इनके सिंगुलर और प्लुरल्स भी फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म्स होते हैं। अगर हम डिस्कस करें आपके प्रोनाउंस के पर्सन की, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव पोजीशन, ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव फॉर्म में, आपको हमने लास्ट क्लास में नाउन एंड केस में इसके बारे में बताया था कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और जेनेटिव क्या होता है। अब हम प्रोनाउन को अगर इनके जगह पे रखेंगे तो इनका फॉर्मेट चेंज होता जाता है और वो फॉर्म बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप वॉइस टॉपिक कर रहे हैं या नरेशन कर रहे हैं उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव जिसे आप जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो सब्जेक्ट का काम करता हो, तो सिंगुलर फॉर्म होता है आपका आई और प्लुरल फॉर्म होता है आपका वी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और वी का होता है अस। अगर आई को आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाओगे तो ये मी बन जाएगा, वी को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो अस बन जाएगा। जेनेटिव फॉर्म के में अगर हम लोग ले जाएं तो यही आई जब जेनेटिव फॉर्म में जाता है तो दो फॉर्म में चेंज होता है, माई और माई, और वही वी चेंज होता है आवर और आवर्स। ऐसे ही अगर हम सेकेंड प्रोनाउंस की बात करें, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड पर्सन, वो होता है हमारा यू। यू सिंगुलर भी होता है तो भी यू, प्लुरल भी रहेगा तो भी यू, लेकिन जैसे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले जाएंगे तो भी यू ही होता है, यानी कि यू का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, लेकिन इसका जेनेटिव फॉर्म चेंज हो जाता है, योर बनता है और एक होता है योर्स। आपको सिंगुलर और प्लुरल में दोनों में ही सेम रहेगा। रिमेम्बर थर्ड जो होता है आपका, अगर थर्ड के बारे में हम डिस्कस करें तो थर्ड में सिंगुलर में आता है ही, सी और इट, ये सब्जेक्टिव फॉर्म, और जो प्लुरल फॉर्म होता है वो होता है आपका दे। जो आपका यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पे अगर कोई नेम भी रख दे रहा हो तो वन नेम यहाँ पे हो जाएगा और मोर देन वन नेम यहाँ पे हो जाएगा। ही सी इट इन तीनों के लिए जो प्लुरल फॉर्म आएगा वो दे आएगा, तो आप दे केवल नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के लिए नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आता है। इट के का प्लुरल आप दे लिख सकते हो, सी का प्लुरल दे लिख सकते हो, ही का प्लुरल दे लिख सकते हो। अब जैसे इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ही होता है ये ही में कन्वर्ट हो जाता है, सी कन्वर्ट हो जाता है फॉर्म में, इट एज इट इज रहता है, जबकि दे चेंज हो जाता है आपका दे, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ही का जो जेनेटिव फॉर्म होता है वो ही एक ही फॉर्म रहता है, लेकिन सी का दो फॉर्म होता है, एक हर और हर्स। ऐसे अगर हम दे की बात करें तो दे का दो फॉर्म हो जाता है आपका देयर
और theirs, राइट, इट्स भी होता है इसका, क्लियर। तो ये सारे जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये सारे फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउन के पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो आप ये फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ये फॉर्म लिखेंगे, जेनेटिव फॉर्म में आ रहा है तो आप ये फॉर्म लिखेंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनका काफ़ी यूज है। अगर आप वॉइस बना रहे हैं या नरेशन बना रहे हैं, इनमें काफ़ी इनका यूज़ किया जाता है, राइट। और सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं प्रोनाउन में, तो मेरे ख्याल से लगता है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ें। एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहे, ओके। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन का जो सबसे पहला वर्ड्स होता है, पहला रूल्स होता है, अगर आपको कोई भी ये लेट वर्ड दिखाई दे, लेट, तो हमेशा इसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ, हमेशा इसको ध्यान में रखें, लेट के बाद अगर कोई भी फॉर्म अगर लिखना हो पर्सनल प्रोनाउन का, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। इस एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेट हर्स सिंह और शॉन, अगर जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, तो आप इजीली जानते हैं कि लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हर्ष जो होता है ये होता है आपका जिनेटिव फॉर्म होता है यहाँ पे, यानी कि राइट क्या होगा, हर, आपको हर लिखना होगा, लेट मी गो, यह सही, यहाँ पे माइंड नहीं लिख सकते, हमेशा जब भी लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन को लिखना हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट रूल्स के बारे में अगर हम बात करें आप लोगों को, जो सेकेंड रूल्स है, रूल्स नंबर टू के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि कभी भी आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे, इसके बाद भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें। Whenever you see prepositions, किसी भी sentence में अगर preposition दिखाई दे उसके तुरंत बाद आपको कोई pronoun लिखना है तो वो आपका objective form में आएगा। जैसे मैंने example लिखा है यहाँ पे, divide these mangoes between you and I. अगर आपको इस, अभी हमने पढ़ाया कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन यहाँ पे बिटवीन है, और बिटवीन के बाद जो है जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो यू का तो ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, बट आई का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने पढ़ा मी होता है, तो यहाँ पे यह गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई फॉर्म आता है प्रोनाउन का तो वो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर हम थर्ड रूल्स के बारे में आपको डिस्कस करें, जैसे कि आपको जिरंड दिखाई दे, जिरंड उसे बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं, और अगर इसके पहले अगर कभी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वो हमेशा होता है जिनेटिव फॉर्म, जिनेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माय वाइफ डज नॉट लाइक
मी वर्किंग लेट नाइट। आपको ऐसे सेंटेंस दिख जाएंगे एग्जाम में। तो अभी हमने पढ़ा जिरंड, इसे बोलते हैं जिरंड, और जिरंड के बाद हम हमेशा जेनेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे माय, दिस इज द राइट वर्ड। माय वाइफ डज नॉट लाइक माय वर्किंग लेट नाइट, नॉट मी, क्योंकि जिरंड के पहले हम लोग क्या लिखते हैं जेनेटिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट रूल्स होता है, आप जानते होंगे स्पेशली एज और दैन। ये अगर आपको दो वर्ड्स दिखाए गए कुछ कंडीशन को अगर छोड़ दें तो इनके बाद आप हमेशा आप सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में यू आर एज गुड एज ही। एज के बाद हमें नॉमिनेटिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप ही में नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद एक और सेंटेंस होता है, अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ही इज द राइट वर्ड, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस ऐसे बनता है। लेकिन ये ही जो है छिपा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे ही इज रिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे यू आर टॉलर देन आई, नेवर राइट हियर मी। बोलचाल की भाषा में भी हम लोग यूज कर देते हैं देन मी बोलते हैं, बट इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। हमें देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग करना है। क्लियर। एक और मैं रूल्स आप लोगों को बताऊंगा इस टॉपिक्स में जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। एक रूल्स होता है जिसे हम बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पर्सन। इस रूल्स को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पर्सन। सपोज करें कि किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं, तीनों पर्सन जो है अगर एक साथ आ जाए तो हमारा एक सीक्वेंस होता है लिखने का, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा नहीं तो एरर होगा। सपोज करें कि इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, अगर तीनों पर्सन सिंगुलर है तो आप यूज करें 2-3-1 का रूल्स। यहाँ जो 2 होता है ये सेकेंड पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन होता है और ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल में यहां पर लिखा ही यू एंड आई वेंट देयर, वह तुम और मैं वहां गए। ये देखिए ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, तो ये एरर है। तीनों ही सिंगुलर है और तीनों अगर सिमिलर हैं तो हमें कौन सा रूल लगाना है 2-3-1, यानी कि करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, पहले हमको लिखना है सेकंड, तब लिखना है ही और तब उसके बाद हमें लिखना है आई वेंट देयर, ये आपका सही होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे। जरूरी नहीं है कि तीनों पर्सन एक साथ है, हो सकता है कि आपको दो दो पर्सन है तो दो पर्सन भी रहेंगे तो आपको यही रूल लगाना है 2-1-3-1 या आपका एक बच गया कौन सा उस 2-3। ये तीन का यूज करेंगे अगर सिंगुलर है तीनों तो। अब आप ये भी पूछ सकते हो सर अगर मान लो प्लूरल रहे तो हमेशा याद रखेंगे अगर ये प्लूरल्स रहे, अगर सपोज करें कि ये प्लूरल है, तीनों पर्सन अगर आपका प्लूरल है तो आपको यूज करना है 1-2-3, दो के लिए 1-2, 2-3 और 1-3।
ये चीजें आप याद रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी यू एंड दे, हेल्प द पुअर, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक और कंडीशन होता है अगर इन तीनों का प्रयोग बैड सेंस में किया जाए तो भी आप यही रूल लगाइएगा, वन टू थ्री, वन टू, टू थ्री एंड वन थ्री, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें यहां पे, जैसे अब उस प्लुरल्स में तो वन टू थ्री लगता ही है, सिंगुलर का कोई अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो जैसे आई यू एंड ही आर थिप्स, चोर है, तो बैड सेंस में जब यूज किया जा रहा है तो इनके साथ हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही रूल लगाया है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस चीज को ध्यान में रखेंगे, हमने पर्सनल प्रोनाउन का सिर्फ एक टाइप बताया आप लोगों को, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन टॉपिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक बताया, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट डिस्कशन में मैं बताऊंगा आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसके बाकी जो पार्ट्स हैं प्रोनाउन के वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको बताएंगे। आप पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करें, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।